बिहार के खगड़िया पुल हादसे पर यह बड़ी खबर है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी को नोटिस भेजा गया है, इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है और पुल का निर्माण समय के भीतर होगा ये भी कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम जो पहले कह रहे थे कि पुल जानबूझकर गिराया गया है, सरकार को ने इसकी इजाजत दी थी, अब वो खुद कह रहे हैं कि कंपनी को नोटिस भेजा जाएगा और इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। जो है उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, संविदा पे भी जो है जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है, बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज़ को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है, और क्योंकि शक था ही जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी, मैं तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है IIT रुड़की को दिया था, लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाया उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया, उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग सबको हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो है इसको काम किया जाए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।